लगी
है, लेकिन सैंटोस अपने ट्रेन किए हुए डायनासोर्स को उसके पीछे लगा देती है। क्लेयर उनसे बचकर भागने लगती है और तभी हम देखते हैं कि काइला वहाँ उसकी मदद करने आई है और उसे अपने साथ एयरपोर्ट की ओर ले जाती है। क्लेयर के कहने पर ओवन भी उनके पीछे जाने लगता है, लेकिन सैंटोस लेजर से उसे भी मार्क कर देती है और उसके डायनासोर ओवन का पीछा करने लगते हैं। उधर काइला अपना प्लेन स्टार्ट करती है और ओवन भी बचता हुआ उन तक पहुंच जाता है और वो लोग वहाँ से बच निकलते हैं। ओवन काइला से पूछता है कि आखिर तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो, और तब वो बताती है कि मैथी को यहाँ उसके प्लेन में ही लाया गया था और अब वो अपनी गलती सुधारना चाहती है। उधर मैथी और वो डायनासोर भी बायोसीन तक पहुँच जाते हैं और मैथी हेनरी से पूछती है कि आखिर हमें यहाँ क्यों लाया गया है। तब हेनरी उसे बताता है कि ब्लू में हमने एक मॉनिटर लीजर का डीएनए डाला था जिससे उसने बिना पार्टनर के भी एक बेबी का, इसीलिए ये दिखने में बिल्कुल ब्लू के जैसी है। फिर वो उसे उसकी मॉम शार्लेट के बारे में बताता है जो खुद भी यहाँ एक साइंटिस्ट रह चुकी है और इसी डीएनए टेक्निक की मदद से उसने मैसी को भी जन्म दिया है। हेनरी उनके डीएनए को स्टडी करना चाहता है ताकि आने वाली जनरेशन को बेहतर बना सके और इसी से वो एक ऐसा पैथोजन बनाएगा जिससे वो इन बग्स के झुंड को खत्म कर सकता है। ये दूसरी तरफ हम एलन और एली को देखते हैं जो छुपकर बग वाली लैब में आ पहुँचे हैं और एक बग से उसका डीएनए सैंपल लेने में कामयाब हो जाते हैं। उधर मैसी मौका देखकर उस बेबी डायनासोर को फ्री कर देती है और एक शाफ्ट से होते हुए बाहर निकल जाती है। लुईस उसे रोकने के लिए सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट करता है जिसकी आवाज से वो सारे बग्स जाग जाते हैं और एलन और एली पर अटैक करने लगते हैं। वो दोनों किसी तरह बचते हुए वहाँ से बाहर आते हैं जहाँ उन्हें सामने मैसी नजर आती है और वो उसे भी अपने साथ चलने को कहते हैं। काइला भी ओवन और क्लेयर को लेकर वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन तभी एक उड़ने वाला डायनासोर उन पर अटैक कर देता है। अब क्योंकि उनके पास एक ही पैराशूट था तो वो क्लेयर को उसमें डालकर रिजेक्ट कर देते हैं और खुद बायोसीन फैसिलिटी में क्रैश लैंड कर जाते हैं। इधर एलन और एली एक बार फिर रैमजी से मिलते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो तो उनका साथ देना चाहता है और ये बग्स वाली खबर भी उसी ने यान को दी थी। वो उन्हें एक बोट में बिठाकर एयरपोर्ट तक जाने को कहता है और बताता है कि वहाँ एक प्लेन तुम्हारा वेट कर रहा है। आगे हम क्लेयर को देखते हैं जिसका सामना एक बड़े से डायनासोर से होता है। वो उससे बचने के लिए खुद को पानी में छुपा लेती है और उसके जाते ही बायोसिन फैसिलिटी की ओर निकल पड़ती है। ओवन और काइला भी क्रैश से बच निकलते हैं, लेकिन देखते हैं कि उनके सामने एक डायनासोर खड़ा हुआ है। डायनासोर उन्हें मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह बचते हुए लिफ्ट से नीचे चले जाते हैं। उधर लुईस को पता चलता है कि इयान ने ही एलन और एली को उस बक्स लैब में भेजा था और अब वो दोनों मैसी को लेकर भाग रहे हैं। ये देखकर वो उनके पोर्ट को डिसेबल कर देता है और पोर्ट एक पुरानी माइन के पास रुक जाती है जहाँ से निकलकर वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। उधर लुईस यान को फायर कर देता है और उसे बताता है कि तुम्हारी चालाकी किसी काम नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे दोस्त माइन में मरने वाले हैं। फिर वो रैमजी को उसे फैसिलिटी से बाहर निकालने को बोलता है, लेकिन वो एक गाड़ी देकर यान को जंगल की ओर भेज देता है जहाँ से वो एलन और उसके दोस्तों की मदद कर सकता है। उधर माइन में उन तीनों का सामना कोई डायनासोर से होता है, लेकिन वो देखते हैं कि बाहर जाने का गेट तो लॉक पड़ा हुआ है। तभी उनकी मदद करने इयान वहाँ आता है और रैमजी की मदद से उन्हें बाहर निकाल लेता है। आगे हम क्लेयर को देखते हैं जिसका सामना एक और डायनासोर से होता है, लेकिन तभी ओवेन और काइला वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। उधर लुईस उन बग्स को नष्ट करने जाता है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ना रहे और वो लोग उस लैब में आग लगा देते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो बग्स लैब को तोड़कर भाग निकले हैं और उससे जंगल और फैसिलिटी में आग लगना शुरू हो जाती है। बग्स के कारण इयान की जीप एक खाई में जा गिरती है जहाँ उनकी मुलाकात ओवन और उसके दोस्तों से होती है। ओवन और क्लेयर मैसी को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि हमें जल्दी से साउथ पोस्ट के अंदर जाना होगा। तभी अचानक वहाँ एक जाइगेंटोसोरस आता है और वो उसे बचते हुए साउथ पोस्ट पर चलने लगते हैं। जाइगेंटोसोरस मैसी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक लोहे के जाल की वजह से बच जाती है और वो लोग उसे तुरंत ऊपर खींच लेते हैं। जाइगेंटोसोरस भी उनका पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन तभी यान उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है और एक जलते हुए बग को उसके मुँह में डाल देता है और इसका फायदा उठाकर वो सब अंदर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ शायद वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन वो आउटपोस्ट भी उस मॉन्स्टर को नहीं रोक पाती और तब ये लोग टेजर और नाइफ यूज करके अपनी जान बचाते हैं। लुईस को ये तबाही देखकर बहुत गुस्सा आता है और ना चाहते हुए भी उसे वो जगह खाली करानी पड़ती है। इधर काइला सबको बताती है कि फैसिलिटी की छत
छत पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना होगा ताकि फ्लाइंग डायनासोर उन पर अटैक ना कर पाए। और ये सुनकर वो टनल के थ्रू मेन बिल्डिंग की ओर जाने लगते हैं। वहाँ कंट्रोल रूम में उन्हें रैमजी मिलता है, जो बताता है कि एयर डिफेंस को एक्स्ट्रा पावर की जरूरत है और उसके लिए हमें प्राइमरी सिस्टम को बंद करना होगा। और क्लेयर कहती है कि ये काम मैं और एली करने जाएंगे। तभी मैसी उन्हें ब्लू के बेबी की याद दिलाती है और इस काम की जिम्मेदारी ओवन उठाता है, क्योंकि उसने ब्लू से इसका प्रॉमिस किया था। कायला भी हेलीकॉप्टर को रेडी करने चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें बिल्डिंग के मेन कंपाउंड में मिलूंगी। आगे हम लुइस को देखते हैं, जो हाइपरलूप से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी क्लेयर प्राइमरी सिस्टम को शट डाउन कर देती है और इससे उसका पोर्ट रुक जाता है। लुइस एक टनल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि सामने से कुछ डायनासोर आ रहे हैं और वो सब घेर कर उसे मार डालते हैं। उधर ओवन भी ब्लू के बेबी को ढूंढ लेता है और एक डार्ट से बेहोश करके वो उसे अपने साथ ले आते हैं। तभी वो देखते हैं कि हेनरी वहाँ उनसे मिलने आया है और बताता है कि मैसी के डीएनए से हम उन बग्स को रोक सकते हैं, और मैसी भी कुछ सोचकर इसके लिए तैयार हो जाती है। फिर उन्हें कायरा का मैसेज मिलता है, जो उन सभी को बाहर बुला रही है, लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ तो हर तरफ डायनासोर फैले हुए हैं। तभी वो जाइगेंटोसोरस वहाँ आता है, लेकिन उन्हें नुकसान पहुँचाने से पहले उसकी लड़ाई एक टीरेक्स से हो जाती है। ये सब भी उनकी लड़ाई का फायदा उठाते हैं और कायला उनको लेकर फैसिलिटी से बाहर निकल जाती है। जाते हुए वो देखते हैं कि वहाँ एक और डायनासोर आ पहुँचा है और टीरेक्स और उसने मिलकर जाइगेंटोसोरस को मार डाला है। आगे हम उन सभी को बेस पर देखते हैं, जहाँ मेडिकल टीम उनकी देखभाल कर रही है। एक न्यूज रिपोर्ट हमें बताती है कि बायोसिन कंपनी अब बंद हो चुकी है और डॉक्टर हेनरी ने भी अपना पैथोजन बना लिया है, जो धीरे धीरे उन बग्स को खत्म कर देगा। बायोसिन वैली को एक ग्लोबल सेंचुरी बना दिया गया है, जहाँ डायनासोर अपनी लाइफ फ्रीली जी सकते हैं। एली और एलन भी एक साथ रहने का फैसला करते हैं और कायला ने अपने प्लेन को फिर से ठीक कर लिया है। उधर ओवन ब्लू को उसका बेबी वापस करता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है और आंखों आंखों में ओवन को थैंक्स बोलती है। एंड सीन में हम देखते हैं कि डायनासोर ने भी इस नए चेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।